अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा व्लॉग जो है एक मार्केट का है, स्पिटलफील्ड्स मार्केट, और हम लिवरपूल स्टेशन से बाहर आए हैं और बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही थी। अब थोड़ी सी फिर भी बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 मिनट की वॉक है और फिर मार्केट स्टार्ट होती है, तो हम आपको डिफरेंट आर्ट मार्केट से पार्ट्स दिखाएंगे। बिल्कुल मार्केट हमारे करीब है और हम इसके बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज का जो ब्लॉग है हमारा स्पिटलफील्ड मार्केट लिवरपूल स्ट्रीट से, और बात करते हैं। और बारिश काफ़ी ज़्यादा है, अभी थोड़ी सी बारिश रही थी तो हमने कहा भाग है क्लिपर आ ले। और ये स्पिटलफील्ड मार्केट है आपके सामने, तो फिर डिफरेंट तरह की चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ओल्ड स्पिटलफील्ड्स मार्केट जो है ये बेसिकली कवर्ड मार्केट है और विक्टोरियन आर्किटेक्चर स्टाइल इसका बना हुआ है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ फूड के स्टॉल और क्लॉथिंग इसके अलावा एंटिक्स के स्टोर आपको नज़र आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ ये मार्केट अराउंड, अगर आप वैसे देखें तो ओवर 350 ईयर्स है। इसके साथ साथ एक और जो मार्केट है वो 1991 के अंदर एक नई स्पिटलफील्ड के नाम से मार्केट वो लेटन के अंदर मौजूद है। यहाँ इस स्टॉल के ऊपर बहुत पुराने रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स और काफ़ी ओल्ड मौजूद है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और काफ़ी यूनिक चीज़ें मौजूद हैं। पोस्ट डेटेड जो इस पे पोस्टल्स के और चीज़ें मौजूद हैं, और ये एक एंटिक शॉप है जो उसमें आपको स्पून वगैरह नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी एंटिक शॉप है यहाँ इस मार्केट के अंदर। फूड के बहुत ज़बरदस्त मिनी रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे फूड, हर तरह का फूड मौजूद है, और सेंटर में आप देख ही रहे होंगे कि बड़ा अच्छा एक बैठने का अरेंजमेंट है। साथ साथ आपको ये भी मैं बताता चलूँ, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना पीना एक्सपेंसिव है यहाँ पे, और थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है ये एक मार्केट है और उसके अंदर एक एक्सपेंसिव है उस हिसाब से, तो ये एक्सपेंसिव थोड़ा सा है खाना पीना यहाँ पे। यहाँ ये आपको चीज़ें, जैकेट्स या शर्ट्स नज़र आ रही हैं, इनकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर प्राइस फिर भी इसकी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये मार्केट भी जो है ये बेसिकली, काफ़ी लोगों को इस मार्केट का इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैंने भी ये सर्च करके निकाली। ये बिल्कुल अगर आप सेंट्रल लंदन के बिल्कुल मिड में मौजूद है, और अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे जो लोग जो यहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं वो बेसिकली मुझे ये लगता है कि अगर ये आज जैसे ये मार्केट में इतना रश नहीं था उसके बावजूद भी यहाँ अच्छा खासा वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी कॉर्पोरेट जो ऑफिसेस हैं वो करीब में हैं। कुछ स्टॉल यहाँ पे थोड़े से नायाब हैं और यूनिक सी चीज़ें रखी हुई हैं नॉर्मल मार्केट से। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कुछ आपको बर्तन और पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसकी प्राइसेस हैं डिफरेंट इसके प्रोडक्ट के हिसाब से। और ये एक इसके साथ ही यहाँ पे एक स्मॉल पब भी मौजूद है, और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी एक बाहर से इसकी एक इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इसको। अच्छी खासी फूड शॉप है, मगर एक बार बता दूंगा आपको, हलाल शॉप इसमें बहुत कम है।
ये एक गवर्नमेंट बर्गर शॉप है जो परिनी गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे डिफरेंट तरह के बर्गर्स हैं। तो और ये ज़रा लैम्प टाइप की चीज़ रखी थी, तो इन्होंने ये करीब करके दिखाया हमें। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ये इसके अंदर पेंटिंग हुई हुई है। और ये डिफरेंट आप इसको प्लेट्स और ये डिफरेंट तरह के पॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें बेहतरीन तरह की पेंटिंग है। और इसकी प्राइसिंग 3 pound से लेके 5 or 8 pound के डिपेंड करता है कि किस तरह की लगी हुई है। अगर थोड़ा सी महंगी ये भी लगी हुई है, मगर 15 pound की थोड़ी सी फैब्रिक मज़ेदार नहीं है। आज मार्केट में ज़रा रश कम है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। इसके साथ ये देखें स्टॉल, ये एनिमल की स्किन से ज़्यादातर बनी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे जो स्लीपर्स वगैरह हैं जिसकी प्राइसेस अराउंड 45 से लेके 65 पाउंड के बिटवीन है। इसमें शूज़ भी हैं और स्लीपर्स भी हैं, और ये हैंडमेड हैं सारी। और ये देखें आप बॉल्स, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बॉल्स हैं। इसमें 5 pound कुछ डिपेंड करता है, डिफरेंट प्राइसेस हैं। और ये जनाब जूस और स्मूदीज यहाँ पे मौजूद हैं, और इसकी प्राइसेस थोड़ी सी अगर मार्केट से देखें तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फ्रेश जूस मौजूद है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये वाटरमेलन का जो जूस है वो भी है, और ये एक शॉप पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट हुआ हुआ था। अगर आप थोड़ा पीछे चले आएँ तो आपको याद होगा कि कैमरे और रील्स, जिसके अंदर हम जब कैमरे में रील डालते थे तो 36 या 24 का जो एक रोल होता था, तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। और ये पुराने से पुराना 110 कैमरा और 6 कैमरे मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये इटालियन पिज्ज़ा जो आपको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा तैयार करके देते हैं। ये एक और आपको हमने स्टॉल दिखा रहे हैं, ये इसमें डिफरेंट सीडीज से घड़ियां बनी हुई हैं एलसीडी और सीडीज पे। इसके साथ साथ अब हमारे ब्लॉग का टाइम ख़त्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।